गुड मॉर्निंग क्लास एट। गिरिजा शंकर जोशी फ्रॉम सुनीता नोबल स्कूल, एसएसटी सब्जेक्ट्स, चैप्टर नंबर टू जो हमारा चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब। अब जो कंपनी है वो नवाब बन चुकी है, बंगाल में उसे नवाबी मिल गई। अब ये एक नवाब की तरह कार्य करेगी, इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ एमेस्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया ही हैड कम टू मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव कहां से आया है? चेन्नई से, मद्रास से, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। 18 वर्ष की उम्र में ही रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेज दिया गया था इंग्लैंड से 1743 में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ 400.01.102। उसकी जो संपत्ति है वो बहुत लाखों में चली गई। व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 64, जब उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ही आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिनेशन इन 72 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ ऑल्दो ही वाज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 74। जब उसे 64 के अंदर गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तो उसे ये पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है उसे समाप्त करूंगा। लेकिन उन्हीं का क्रॉस एग्जामिन हुआ 72 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि उनके पास अथाह संपत्ति थी और इस अथाह संपत्ति होने के कारण वो सस्पिशियस हो गए और 74 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ये है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजी शासन का एक नींव रखी थी उसी के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर ये आगे चलते हुए जब कंपनी एक नवाब बन गई है, अब वो आस पड़ोस के दूसरे जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनके ऊपर वो अपना कब्जा करना चाहती है और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी फैलाना चाहती है। तो अब यहां पर पॉइंट आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी अपना जो शासन है उसे फैलाना चाहती है। If we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company in 57 to 57 18, 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक करीब 100 वर्ष, 100 वर्ष में इन्होंने कितने स्टेट्स को अपनी संतलत में शामिल किया, अपने ब्रिटिश रूल में इन्होंने शामिल किया, वो बात है, इसको हम देख रहे हैं। After the Battle of Buxar 64, the company appointed resident of Indian state. 64 के बाद में कंपनी ने अपने जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनको एक रेजिडेंट बनाया गया इंडियन स्टेट्स जितने भी है भारत के अंदर उनमें। They were political and commercial agent and their job was to serve the further the interest of the company. उनका काम क्या था? वो political और commercial agent थे और उनका ये जॉब था कि वो कंपनी का स्वार्थ देखे, कंपनी का फायदा देखे। हर एक जो रीजनल स्टेट है हमारे, उनके अंदर एक एक करके जो है ब्रिटिश, जो है ब्रिटिश ऑफिसर से वो एक एजेंट के रूप में हो गए। इस जो कंपनी ने जो फोर्स किया स्टेट के साथ, उन्होंने एक तरह से ट्रीटी की, एक तरह से उन्होंने अलायंस बनाया रीजनल जो है स्टेट उनके साथ। इसे हम बोलते हैं सब्सिडरी एयरलाइंस। सब्सिडरी एयरलाइंस का इट मीन ये होता है कि रीजनल जो आपके स्टेट हैं उनकी जो है फ्रीडमनेस हम छीनेंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनकी खुद की जो है सत्ता रहेगी, बट वो रूलर जो है इंडियन रूलर वो अपनी फोर्स नहीं रखेंगे, ये फोर्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ये ब्रिटिश फोर्स होगी जो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे अदर स्टेट के साथ। इस प्रकार एक एक करके उन्होंने दूसरे स्टेट्स जितने भी है उन सब में सब्सिडरी फोर्सेज रखना शुरू कर दिया। इसका मुख्य पर्पज यही था कंपनी अपना रूल चारों ओर फैलाना
चाहती थी। इंडियन जो रूलर है वो जब सब्सिडियरी फोर्सेज कंपनी ने रखी तो इंडियन रूलर से उनके मेंटेनेंस उनका खर्चा मांगा गया, लेकिन वो अपना खर्चा दे नहीं पाए। क्यों? इसके पीछे कारण था कि भारत जो देश है वहां पर कई तरह की समस्याएं थी। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो ब्रिटिश फोर्स रखी उसका वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो कंपनी ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी। इस प्रकार जो रिचर्ड वेलेजली है गवर्नर बने, वो नवाब के अवध, जो अवध के नवाब है वहां पर उनको बोला गया कि आप कंपनी का खर्चा दें, अन्यथा हम आपकी आधी रियासत कंपनी में मिला लेंगे। इस प्रकार एक तरह से इसे हड़पना कहा जाता है। कंपनी ने दूसरे राज्यों में अपनी फोर्स रखी और ये फोर्स उनकी प्रोटेक्टिव फोर्स थी, बट वो मेंटेनेंस नहीं उठा पाए तो कंपनी ने उनसे उनके राज्य छीनना शुरू कर दिया, और ये एक तरह से उनकी चाल थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं, एक तो अब इसमें जो सामना होगा सबसे पहले वो है टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था इंडिया का, ये साउथ इंडिया में आया हुआ है, और टीपू सुल्तान जो है इनके पिताजी हैदर अली, उन्होंने इस मैसूर राज्य की स्थापना की और अपने कंट्रोल में रखा। तब ब्रिटिश जो चेन्नई में रहते थे उनका जो बिजनेस था उस बिजनेस को ये हैदर अली और टीपू सुल्तान कंट्रोल में रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मालाबार कोस्ट है वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल ट्रेड हो रहा था, और ये जो है वो हो रहा था पेपर और कार्डमोम का। कंपनी पेपर और कार्डमोम खरीद कर बहुत ज्यादा बेनिफिट कमाना चाहती थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये कहा कि आप इसे एक्सपोर्ट करने से रोकें। इसलिए टीपू सुल्तान 85 स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर कार्डमोम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। 85 में सुल्तान टीपू ने ये सभी जो ब्रिटिश कंपनी का जो ट्रेड था उसके ऊपर रोक लगा दी। इस प्रकार एक तरह से ये कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान अपने टेरिटरी में उन्हें किसी भी प्रकार की उनकी परमिशन के बिना काम नहीं करना है देना चाहती। तो ये एक सीधा साधा एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर और टीपू सुल्तान के बीच में सीधे सीधे युद्ध की घोषणा करता है। द सो हैदर टीपू एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस। ये बात ब्रिटिश कह रहे थे कि हैदर और टीपू दोनों ही एम्बिशियस है, एरोगेंट है और हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए इन्हें रूलर्स जो है दोनों या तो इन्हें कंट्रोल करना होगा या फिर इन्हें क्रश करना होगा। इसलिए मैसूर के साथ ब्रिटिश कंपनी के चार युद्ध हुए। ये चार युद्ध 1767 टू 69, 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम वहां पे एक छोटा सा शहर है, एक कस्बा है, वहां पर युद्ध हुआ ये अंतिम। इसमें अल्टीमेटली कंपनी जीत गई और टीपू सुल्तान को वहां पे मार दिया गया। इस प्रकार मैसूर जो डायनेस्टी है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में मैसूर को ब्रिटिश अपने स्टेट में मिला लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वार विद द मराठाज। जब कर्नाटका का जो मैसूर इलाका है वो कंपनी के अंडर में आ गया, मालाबार जो कोस्टल एरिया है वो अब कंपनी के अंडर में आ गया, कंपनी अब आराम से वहां ट्रेड कर सकती है और फुल बेनिफिट कमा सकती है। इसके बाद में वो अपनी नजर महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पर उन्होंने अपनी नजर रखी, तो यहाँ पर वो मराठा जो है उनके साथ युद्ध के लिए वो तैयार हुए, क्योंकि कंपनी अब यहाँ पे ट्रेड कंपनी की जगह रूलिंग कंपनी बन गई। फ्रॉम द लेट ऑफ 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट द कार्प इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठाज पावर विद द डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 से पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर मराठा एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी, एक पावर पॉइंट था,
इससे कोई भी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कंपनी अपनी रूलिंग एरिया को बढ़ाने के लिए उसे मराठा से लड़ना होगा। तब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761। इसमें मराठा बुरी तरह से हार जाते हैं और वो दिल्ली को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। तब मराठा 1761 पानीपत के तीसरे युद्ध में हारने पर वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं और अपनी अलग अलग डायनेस्टीज बना लेते हैं। ये चीफ जो होते हैं मराठाज, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सभी अपने अलग अलग डायनेस्टीज में टूट जाते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, एकता में हम जीत हासिल करते हैं, अनेकता में हम हारते हैं। अब ये एकता यहाँ पे मराठाओं की समाप्त हो गई। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले ये आपस में लड़ने लगे और अंग्रेजों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी। दी चीफ्स वर हेल्ड टूगेदर द कॉन्फिडेंसरी अंडर द पेशवा अ प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन द पुणे। पुणे के अंदर इन सभी के ऊपर एक और व्यक्ति होता था जिसे पेशवा बोला जाता था। ये पेशवा इनका प्रिंसिपल हेड है। अब यहाँ पे होता क्या है, महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, टू फेमस मराठा सोल्जर स्टेट्समैन टू लेट 18th सेंचुरी। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये दो मराठा हैं, सैनिक हैं, और ये मराठा साम्राज्य में, इनकी डायनेस्टीज में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है युद्ध की। अब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि जब मराठा राज्य खुद अलग अलग डायनेस्टीज में बढ़ गया है, अंग्रेज अब इसे हासिल करना चाहते हैं। तब द मराठाज वर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वार इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। देयर वाज नो क्लियर विक्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 05 वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार द 1817 टू 19 क्रश्ड मराठाज पावर। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। यहाँ पर बात देखने की है, बहुत ही अच्छी बात सामने आती है। जब 1782 में मराठा और ब्रिटिश के बीच में पहला युद्ध होता है तो दोनों में से कोई जीत नहीं पाता है और यहाँ पर एक ट्रीटी हो जाती है जिसे सालबाई की संधि कहा जाता है। सालबाई एक कस्बा है, वहां पर दोनों पार्टीज आपस में एक संधि कर लेते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, दोनों कोई जीत नहीं पाते इस युद्ध में। सेकेंड एंग्लो मराठा फिर से एक बैटल होता है और इसमें दोनों ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन इस बार ब्रिटिश उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो आगरा है, दिल्ली है, इस पर ये कब्जा कर लेते हैं। इसका अर्थ है नॉर्थ इंडिया में आगरा, दिल्ली और उड़ीसा, इस पे ब्रिटिश रूल हो जाता है। इसके बाद में जो तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठा पावर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, मराठाज हार जाते हैं और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब ब्रिटिश पावर बन गया। पेशवा को उसके पद से हटा दिया जाता है और उसे बिठूर, जो एक कानपुर के पास में एक छोटा सा कस्बा है, बिठूर भेज दिया जाता है और उसे सालाना पेंशन दे दी जाती है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत के साउथ में जितनी भी टेरिटरीज है उस पे कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का। इसके बाद में द क्लेम ऑफ पैरा माउंटेंसी, यहाँ पे इट इज द क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी प्रिश्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल पेंशंस अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेंसी वाज इनिशिएटेड। पैरा माउंटेंसी नाम की एक पॉलिसी शुरू की जाती है, ये की जाती है हेस्टिंग्स के द्वारा। ये गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के 1813 टू 1823। यहां पर बात क्या है,
Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. अब कंपनी अपने आप को पूरे भारत में सुप्रीम घोषित करती है कि हमारा पावर सुप्रीम है, हम पैरामाउंट हैं। इट मीन जितने भी इंडियन स्टेट हैं वो हमसे छोटे हैं और उन्हें हमारा कहना मानना होगा, क्योंकि हम साउथ के अंदर सारा जो टेरिटरी है वो अब हमारे अंडर में है, बंगाल, चेन्नई, मैसूर, मराठाज, बॉम्बे और यहाँ तक कि दिल्ली और आगरा। इस प्रकार अब भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश रूल के अंदर आ चुका है। अब कुछ छोटे छोटी रियासतें, छोटे छोटे रीजनल स्टेट जो बचे हुए हैं, छोटे किंगडम है हमारे, वो इतने छोटे हैं कि वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपने आप की सुप्रीमेंसी बताई और उनसे ये कहा गया कि तुम अब हमसे या तो ट्रीटी करो या फिर सीधे सीधे हमसे हार मानकर हम में शामिल हो जाओ। इन्हें ट्रीटिंग दी गई, इन्हें एनेक्शन किया गया इंडियन किंगडम्स को। अब इन्हें ब्रिटिश पॉलिसी जो है उनके अकॉर्डिंग चलना मजबूर कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब ब्रिटिश का कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ब्रिटिश जो है अपने आप में पावर था और एक पूरे भारत का रूल करने वाला। अब हम देखते हैं छोटा सा एक स्मॉल स्टेट है कित्तूर, ये कर्नाटका में है। यहां पर रानी चन्नम्मा नाम की एक महारानी थी, वो इसका यो सामना करना चाहती थी। रानी चन्नम्मा अपनी मातृभूमि के ऊपर प्राण देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ब्रिटिश के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और 29 में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार जब उनकी डेथ हुई तो ये एक कित्तूर का जो मामला है ये पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लड़ रहा था उन तक ये मैसेज गया कि अब हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, ब्रिटिश बहुत ज्यादा पावर में आ चुके हैं। अब जो है रायना और पुअर चौकीदार इन सिंगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस द पॉपुलर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय मेनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड। He was caught and hanged the British in 1830. You will read more the several cases to resident Lever in the letter in the book. इस प्रकार जिन्होंने भी ब्रिटिश रूल का जो है खिलाफत की या उनका अपोज किया उन्हें यही सजा मिली, उन्हें फांसी की सजा दी गई या उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस प्रकार ये मैसेज हुआ कि अब केवल और केवल भारत में रूल दो ही तरह से हो सकता है, या तो ब्रिटिश के अंडर में रहकर या फिर केवल और केवल ब्रिटिश। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब यहाँ पे कुछ रशिया का पार्ट आ रहा है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज में अपन देखते हैं कि रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मन ये आपस में लड़ रहे हैं और रशिया भी अपना जो है टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है और ब्रिटिश चाहते हैं कि उन्हें वहीं रोक दिया जाए। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो अपने जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसे अपने कंट्रोल में करे। तब उन्होंने किया द फॉर द प्रोलॉन्ग वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 to 1842 एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। अफगानिस्तान में जब युद्ध हुआ 1838 को तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे से कंपनी का रूल वहां पे लागू कर दिया और सिंध को 43 में अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद में उनका नेक्स्ट प्लान था पंजाब पे, वहां पे महाराजा रंजीत सिंह नाम के व्यक्ति राज करते थे। वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 1839 में। तब भारत में पंजाब एक छत्र जो राजा है रणजीत सिंह, उनकी मृत्यु होने के बाद में पंजाब भी टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब पंजाब के साथ दो युद्ध होते हैं और दोनों युद्ध में जब है पंजाब के जो शासक है हार जाते हैं और पंजाब ब्रिटिश रूल में शामिल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, हम 1857 के आसपास पहुंच चुके हैं, अब हमारे यहाँ रेवोल्यूशन होगी, उससे पहले क्या बैकग्राउंड बना वो हम यहाँ पे देखते हैं।
ये कंटेम्परेरी टाइम है, इस समय क्या बैकग्राउंड हुआ कि हम फिर से एक रेवोल्यूशन खड़ी करते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति लेकर आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यहां पे द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सिजन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। He devised the policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, became part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Doctrine of lapse mein hota kya hai? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी लेकर आते हैं और लॉर्ड डलहौजी अपनी इस पॉलिसी में ये कहते हैं कि मैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी में ये चाहता हूं कि जितने भी इंडियन रूलर हैं अगर वो किसी वारिस के बिना, उनका कोई पुत्र नहीं है, बिना पुत्र के अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका सभी का सभी किंगडम ऑटोमेटिकली कंपनी टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल वे है। तब सबसे पहले सतारा एक छोटा सा स्टेट था, किंगडम था, वो 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद में संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, फिर नागपुर और लास्ट में झांसी। ये इनके जो राजा है उनके कोई पुत्र वारिस नहीं होता है, तब इन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ती है और ये जो है ब्रिटिश रूल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत शामिल कर लिए जाते हैं। फाइनली इन 1856 कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। लास्ट में 56 के अंदर अवध के ऊपर कंपनी ये कहती है कि अवध का जो नवाब है उसने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं की है, वो निर्बल व्यक्ति है, वो अवध का जो नवाब है वो एक नवाब रहने लायक नहीं है, वहां पर मिस गवर्नमेंट हो रही है, मतलब नवाब अच्छी तरीके से गवर्नेंस नहीं कर रहा है, इसलिए अवध को हम हमारे में शामिल करते हैं। तब इसी बात को लेकर अवध की जो जनता है वहां पर 1857 में एक रेवोल्यूशन ब्रॉक आउट होता है। ये रिवोल्ट जो है जैसे ही वहां पर 1857 में होता है तो ये पूरे भारत में शुरू हो जाता है। देखिए यहां पर कुछ नक्शे दिए हुए हैं, हम इसे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हम इंडिया 1797 तो आप देखेंगे जो येलो कलर है वो ही ब्रिटिश रूल का है, बाकी जो भी है वो हमारे रीजनल स्टेट है। लेकिन यही हम 97 टू 1847 में आते हैं तो देखिए ब्रिटिश रूल कितना फैल चुका है। इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अब 1857 जब हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हुई थी उस समय देखिए लाहौर, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ और पूना, मैसूर, मद्रास, ये सारा इलाका करीब करीब ब्रिटिश रूल के अंडर में आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम देखते हैं हमारे यहां पर रेवोल्यूशन हो जाती है और रेवोल्यूशन होने के बाद में अब क्या होगा, इससे पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है, हम उसे भी देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहुंचते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ब्रिटिश रूल से पहले हमारे भारत में मोनार्की सिस्टम था, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो वो कंपनी का था और कंपनी में वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और उसके बाद वो रूलिंग कंपनी बनी, उन्होंने रिटन रूल्स बनाए और वो रूल्स हम पे इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब भारत में कुछ चीजें रिटन होने लगी और इन्होंने डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन का और ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिवीजन है वो आज तक हमारे चलता आ रहा है।
तो हम बात करते हैं वॉरेन हॉस्टिंग्स की। ये 1773 से 1785 तक भारत में रहे। इन्होंने खूब सारे रोल अदा किए हमारे कंपनी पावर के लिए। उसमें ये है कि ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इस टेरिटरी को इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूत किया और यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बांटी जिसे हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। ये प्रेसिडेंसी जो थी उस समय 1773 के आसपास, हम देखते हैं नंबर वन बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसी थी। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, यहां पर एक एक गवर्नर था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, तीनों गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग्स। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं। इन्होंने कुछ और सिस्टम में बदलाव किया, वो यहां पर है। फ्रॉम 72 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइड और सिविल कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। वॉरेन हॉस्टिंग्स ने 1772 में जस्टिस, जो हमारे न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है, उसमें इन्होंने बदलाव किए। इन्होंने कुछ रूल बनाए, कुछ कानून बनाए और प्रत्येक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट बनाए। एक था क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा था सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी कहा जाता है और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत। अभी तक भारत में जो इससे पहले जो हमारे कोर्ट थे वहां पे मौलवीज और हिंदू पंडित रहते थे और वो ही न्याय करते थे, लेकिन अब ये न्याय तो वो ही कर रहे हैं, काजी, मुफ्ती और हमारे पंडित, लेकिन अब इनके ऊपर सुपरविजन करेगा कलेक्टर। कलेक्टर ने कुछ रिटन रूल्स बनाए हैं, उनके तहत ही ये काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब हम रिटन फॉर्म में आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, कहीं कहीं पे ये हमारे लिए अच्छी बातें रही है। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आर लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र टू ब्रिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी द 1775। यहां पर बात यह आती है कि हमारे जो ब्राह्मण पंडित है, या हम ये कह सकते हैं मौलवी या मुफ्ती है, वो अलग अलग जगह पे उनके नियम कायदे अलग अलग थे, क्योंकि धर्मशास्त्र या हम कह सकते हैं जो हमारे धार्मिक किताब है उनके अनुसार अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम कायदों से वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। लेकिन 75-78 इसके आसपास हमने मुस्लिम लॉज बनाए और हिंदूज लॉज बनाए, और ये लॉज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। हमने एक कोर्ट बनाया जो इन कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। ये सुप्रीम कोर्ट हमने कलकत्ता में लागू किया। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और वहां के जो कानून हैं वो किस प्रकार इंप्लीमेंट हो किए जा रहे हैं, और जो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है अपने जजमेंट से वो सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना जजमेंट फिर से रिव्यू करवा सकते हैं। द प्रिंसिपल फिगर ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। द इंडियन डिस्ट्रिक्ट में उस समय भी कलेक्टर जो है वो प्रिंसिपल फिगर था। आज भी कलेक्टर प्रिंसिपल फिगर है, लेकिन उस समय कलेक्टर में और आज के कलेक्टर में बहुत कुछ फर्क है, क्योंकि अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज द कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरबाज। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर एंड पेट्रोनेज दैट steadily replaced previous holder of authority। अब जो कलेक्ट्रेट है, जो कलेक्टर की ऑफिस है कलेक्ट्रेट, वो एक पावर सेंटर बन गया है पावर का।
यहाँ पे ब्रिटिश जो पावर है वो सामने आता है, वो दिखाया जाता है। ये जो कलेक्टर है ये उस अपने डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, टैक्सेज कलेक्ट करेगा और लॉ और ऑर्डर का जो है उसे मेंटेन करेगा। इसके साथ में जज, पुलिस और वहां के दरोगा और लोकल जो डिपार्टमेंट है वो उसका साथ देंगे। इस प्रकार कलेक्टर अपने आप में डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ द इंचार्ज हो गया। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन थी हमारे भारत में 1773 के बाद की। इसके बाद हम बात करते हैं द कंपनी आर्मी। देखिए अभी तक भारत में जो आर्मी थी वो एक मोनार्की सिस्टम के तहत थी। आर्मी में जो लोग जो सैनिक थे उन्हें लगातार तनख्वाह दी भी जाती थी और नहीं भी दी जाती थी। सैनिक जो थे वो नियमित और अनियमित दोनों तरीके से होते थे। और हमारे पास जो हमारे आर्टिलरी है, जो हमारे सैन्य साधन है, वो बहुत कम थे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने इन सब को चेंज किया। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार, ट्रेंड सोल्जर ऑन द हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फूट सोल्जर। दे वर गिवन ट्रेनिंग एंड आर्चरी एंड द यूज ऑफ द सॉर्ड। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। द रूलर एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट एंड लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल वाज पैदल सोल्जर। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं फिर से। अभी तक जो मुगल्स हमारे थे उनके पास जो सेना थी, जो कैवलरी थी, उसमें सवार होते थे, पैदल होते थे और तीरंदाजी करने वाले व्यक्ति होते थे, उनके पास तलवारें होती थी। और मुगल या हम ये कह सकते हैं जो हमारे राजा हैं, उनको सेना की जरूरत केवल युद्ध के समय होती थी, इसलिए उनके पास स्थायी रूप से सेना नहीं थी। वो अस्थायी सेना रखते थे और उन्हें डिपेंड होना पड़ता था सैनिकों को बनाने के लिए वहीं के जो लोकल किसान है या वहां के लोकल जमींदार है। ये लोकल जमींदार ही सेना बना लेते थे और जो किसान है वही सैनिक बन जाते थे और युद्ध में अपने राजा के साथ हो जाते थे और युद्ध समाप्ति के बाद में सभी अपने अपने कार्यों में लौट जाते थे। लेकिन अब कॉलोनियल आर्मी ने ये चेंज कर दिया और इन्होंने अपनी सेना रखना शुरू कर दिया। हम इसको आगे पढ़ते हुए जाएंगे तब हम देखते हैं कि अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है उन्होंने हमारे भारत की एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी आर्मीज में और अदर जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें उन्होंने रिफॉर्म किया, उन्हें न्यू आइडियाज दिए। अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम देखते हैं कि क्या जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें आखिर में सार क्या निकलता है। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century is also added this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enable more Britishers and their families to come to a far off country like India. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% territory and 78% of the population of Indian subcontinent. Combined with the indirect influence on the remaining territory and population of the country, East India Company had virtually the whole of India under its control. यहाँ पर बात इतनी सी है कि एक ऐसी कंपनी जो ब्रिटिश की है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पर भारत में ट्रेड करने के लिए आती है, लेकिन वो धीरे धीरे टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में बदल जाती है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ
उसके तहत हमारे पास स्टीम टेक्नोलॉजी थी, तो ब्रिटेन से भारत में आने के लिए जो साधन था 6 से 7-8 महीने लगते थे, अब वो टाइम कम लगने लगा और वहां से ज्यादा लोग ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली भारत आने लगी। 1857 तक करीब 100 सालों में ब्रिटिश कंपनी ने 63% एरिया पे और 78% पॉपुलेशन पे अपना रूल लागू कर दिया। इस प्रकार ये एक चैप्टर आपका समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।